जय हिंद। नमस्कार, मैं सचिन सूर्यवंशी और आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज मैं नेक्स्ट मनी के ऑफिस में हूँ और मैं महाराष्ट्र पुणे से ही हूँ और नेक्स्ट मनी का ऑफिस भी पुणे में है। तो मैंने आज डायरेक्टर मिस शबनम प्रवीण मैम का कुछ इंटरव्यू लिया था, तो कुछ इंटरव्यू के पॉइंट्स थे मेरे इंट्रोडक्शन में जो आपके साथ क्लियर करूँगा। ये सारे इंट्रोडक्शन का पूरा पेज है मेरा जो मैंने किया, उसके सोल्यूशन लिए हैं। तो ऑफिस का विजिट मैंने कर दिया है, तो उसमें फर्स्ट था कि नेक्स्ट मनी प्रोफाइल एंड बैकग्राउंड। तो नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन है नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का फर्म नेम है, पार्टनर साइट है। तो ये नेक्स्ट मनी वर्क करती है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर टोटली, और इनके खुद के ओन प्रोडक्ट्स भी है, ठीक है। ओनर आप सभी को पता है, सीएमडी मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन है और डायरेक्टर मिस्टर शबनम मैम है। विजन नेक्स्ट मनी का है ओपन वैलेट वगैरह होना और डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया बनाना, और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए लोगों की बेरोजगारी मुक्त करना। तो इन्होंने अपने नेक्स्ट मनी जो है, ये तो खुद की एप्लीकेशन है बट ट्रेडिशनल में नेक्स्ट मनी काम कर रही है, नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने अभी फिलहाल एक सॉफ्टवेयर नेक्स्ट मनी बना के दे रही है पुणे पुलिस को, सोसाइटी ऐप करके, वो भी मैडम ने बता दिया है। पुणे पुलिस सोसाइटी इनके लिए साइट और ऐप डेवलपमेंट कर रही है। तो इनका ट्रेडिशनल काम यही था कि साइट डेवलपमेंट करना और एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना। मैंने आप लोगों के टीम क्वेश्चन थे वो बता दिया कि नेक्स्ट मनी कब तक चलेगी। मैडम ने कहा नेक्स्ट मनी जब तक चलेगी जब तक ये सर्विसेज चलेंगे, जब तक लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे जब तक नेक्स्ट मनी चलेगी। यानी ट्रांजेक्शन तो खत्म होने वाले नहीं, लाइफ टाइम ट्रांजेक्शन होने वाले और ऑनलाइन चीजें बढ़ने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट मनी एक ऑटो जनरेट सिस्टम है, यानी इसको चलाने के लिए कोई किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटो जनरेट में काम करती रहेगी, ये भी बताया मैडम ने। फिर नेक्स्ट मनी 1717 क्यों लेती है, ये भी एक आपका सबका बड़ा पॉइंट है कि नेक्स्ट मनी एज आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, कस्टमर नहीं, यानी अपना बिजनेस पार्टनर बनाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ नेक्स्ट मनी के 1717 रुपए आपको पे करनी होती है। देन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नेक्स्ट मनी इतना पैसा कहाँ से बांटती है, ये भी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट मनी एफिलिएट मार्केटिंग से आपको पैसा बांटती है और जो मेंबरशिप है उसी का एज ए रेफरल प्रोग्राम देती है। नेक्स्ट मनी को एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छी खासी अर्निंग आती है, जो भी हम रिचार्ज कर रहे हैं, जो हम अमेजोन कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट कर रहे हैं, इसमें कमीशन छूटता है, उसमें कंपनी अपन को और खुद को रखती है, ठीक है। इवन आपसे टीडीएस भी पे करवाती है जीएसटी के साथ, और साथ में आपको देती है जीएसटी और एडमिन 5% काटती है। तो नेक्स्ट मनी ऑलरेडी बेनिफिट में है, तो कोई नेक्स्ट मनी मैम बोले हम घर से पैसा नहीं बांट रहे, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इतना पैसा बांट रही तो मनी सर्कुलेशन है, तो मैम बोले अगर मनी सर्कुलेशन होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें नहीं देती। मनी सर्कुलेशन वो होता है कि भाई आपसे लिया, आपकी कुछ परसेंटेज रख के वो पैसा अगले वाले को एज ए आपने कमीशन के लिए घुमाया, उसको दे दिया, तो मनी सर्कुलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे आपके मेंबरशिप का इंस्टेंट पे आउट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, इसको मनी सर्कुलेशन नहीं कहते। अगर ये मनी सर्कुलेशन होता तो हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं होते। चलो नेक्स्ट, हमने अपने टीम के सजेशंस दिए हैं, कंप्लेंट्स दिए है कि कस्टमर केयर सपोर्ट हमें 24/7 चाहिए और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। तो इसके लिए मैडम ने 15 दिन का टाइम दिया और वो अभी दो और कस्टमर केयर यहाँ पे ऐड कर रहे। तो अभी इनके पास कस्टमर केयर हमारे ग्रेट इस्माइल जी है, सबके टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। नाजिया मैडम नई अभी एम्प्लॉय हो चुकी है, प्रसाद जी है, एक नीलेश जी है और एक मेहताब जी है। नीलेश जी भी अभी नए आए हैं और दो कस्टमर केयर इनके पास बैठ रहे, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपके लिए। और एक गुड न्यूज कि ये अभी टिकट्स जनरेट कर रहे हैं, आपके मेनू ऑप्शन में जाके 2-3 दिन के अंदर अपन को टिकट्स मिलेंगे। वहां पे अपने टिकट्स का आपका क्वेरी डालना है, आपकी क्वेश्चंस क्या है, और वहां टिकट डालते ही आपको वहां से 30 मिनट के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा इसका, ठीक है। और आप यहाँ पे कस्टमर केयर को नंबर ही उन्होंने दिए है, नोट कर सकते हैं 8669666414। सिंगल बताता हूँ 8669666414, मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ में 4567 आगे इनके कोड है और मेन नंबर इनका है, जहां पे आप कॉल करके इनके नंबर पे जाएंगे 8800300123, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में कस्टमर केयर के नंबर डाल दूंगा। देन है, मैंने उनको और एक सजेशन दिया कि कैशबैक टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा सर जब भी हमें अमेजोन फ्लिपकार्ट सामने से रिटर्न पॉलिसी के बाद कैशबैक देता है, हम ऑटो जनरेट करते, तो आपको एक महीना भी हुआ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक महीने बाद भी हम आपको जनरेट करेंगे, आप उसकी फिक्र नहीं करना है। आपने बस क्लियर फोटो
जो आपकी क्लियर बिल है जो अमेजोन फ्लिपकार्ट से मिला है उसको क्लियरली फोटो को अपलोड करें, हम आपको जो है कि कैशबैक एक महीना हो 100 महीना हो क्रेडिट करा देते हैं, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है वो टिकट जनरेट करे, टिकट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पैनिक होने की बात नहीं है। फिर रिचार्ज के लिए भी बोल दिया, रिचार्ज अगर आपका पेंडिंग रहता है, कोई भी आपका रिचार्ज फंस जाता है तो इसके लिए भी टिकट्स आ रहा है। इसमें आप NMID डाल दीजिए, रिचार्ज का ऑप्शन सिलेक्ट करिए, रिचार्ज इशू, इसका भी आपका सोल्यूशन मिल जाएगा जो भी कैशबैक नहीं मिला है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि ये टिकट डालेंगे तो 30 मिनट के अंदर ये टिकट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मैंने और एक बात कही है, डिफॉल्ट यूजर नेम जनरेट करना, क्योंकि अभी इतने यूजर्स नेम यूज हो चुके हैं कि हमें नया यूजर नेम मिल नहीं रहा है, अवेलेबल बोल रहा है। तो ये अभी अपना डिफॉल्ट यूजर नेम कुछ आने वाले टाइम में डिफॉल्ट ही देना शुरू कर देंगे, जो भी 4 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। अभी और एक बात रिडीम के लिए है, जो रिडीम प्रॉब्लम्स थे, आप जो आपका यूजर नेम है उसी नाम से अकाउंट ऐड होना चाहिए। कई लोगों के नाम यूजर नेम अलग है और आपका रिडीम का अकाउंट नेम अलग है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। कहीं कहीं ट्रांजेक्शन इश्यू होते हैं इसलिए रिडीम फंस जाता है। बट आप टिकट जनरेट करें, जिनके रिडीम फंसे वो भी रिडीम अभी टिकट से ही क्लियर होंगे, ठीक है। टिकट का टाइम रिडीम का टाइम 3 to 4 days का है, जो कि वर्किंग डे छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस की बात, बोल दी कि नाइट में होना चाहिए। देखो टेक्निकल चीज है, मेंटेनेंस तो होंगे 100%, कभी भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। टेक्निकल चीज में 99% आपको सक्सेस मतलब वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, 1% हमेशा मेंटेनेंस वगैरह रहेगा, तो उसके लिए कोई पैनिक की बात नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ऑटो सिस्टम है, ऑटो चीज पे इंटरनेट पे काम कर रही है, तो छोटे मोटे इश्यूज आएंगे उनको साथ हमने कोऑपरेट करना है। कि फिर भी इनकम में हमें कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ इनकम इंस्टेंट मिल रहे, रेफरल प्रोग्राम हो, फिर हमारा लीडरशिप रॉयलिटी हो, फिर हमारे रिचार्ज कैशबैक हो, सब कुछ कैशबैक टाइम से मिल रहे हैं। ओनली अमेजोन फ्लिपकार्ट का कैशबैक इसलिए डिले होता है क्योंकि वहां पे रिटर्न पॉलिसी होती है, और दूसरी बात वो बिल प्रॉपर शो होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए तब जाके। और गुड न्यूज ये भी है कि आने वाले 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद अपन को बिल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नेक्स्ट मनी से API से अगर पे किया है तो ये ऐसी सिस्टम बना रहे कि उनको पता चलेगा कि इन्होंने हमारे से पे किया है। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पॉलिसी खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली अमेजॉन फ्लिपकार्ट का कैशबैक आने वाला है, बिल अपलोड करने का फंडा नहीं रहेगा ऊपर स्टाइल में। सबसे बड़ी बात इंश्योरेंस का भी वही है कि आगे से ऑटोमेटिक बिना अपलोड किए हुए ही कैशबैक आने वाले है। तो ये अभी गुड न्यूज मिली है मुझे, एक टिकट्स की गुड न्यूज मिली है यहाँ पे आके मुझे। दूसरी गुड न्यूज ये है कि आपके नेक्स्ट शॉपिंग खुल नहीं रहे, बोल रहे प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट शॉपिंग आज पॉपअप से हट रही है, रात को नेक्स्ट शॉपिंग वर्किंग हो रही है 2 दिन के अंदर, मतलब आज तो हटा देंगे लेकिन 2 दिन के अंदर ये हट जाएगी। तो आप बाहर का नेक्स्ट शॉपिंग डाउनलोड मत कीजिए, उसको डिलीट कीजिए, अपने नेक्स्ट मनी के ही अंदर से नेक्स्ट शॉपिंग ओपन कीजिए। नेक्स्ट शॉपिंग अंदर से ओपन होगी, बाहर आपके डाउनलोड नहीं होनी चाहिए, बाहर के डिलीट करा दीजिए, ठीक है। मेंटेनेंस में रहेगा नेक्स्ट मर्चेंट और नेक्स्ट शॉपिंग तो ऑन वर्किंग हो चुकी है, आप बाहर की डिलीट करें और अंदर से ही काम करें। मर्चेंट और नेक्स्ट शॉपिंग मेंटेनेंस में रहेगी 1 से 1.5 महीने के अंदर, ये ओके हो जाएगी, क्योंकि मर्चेंट के ऊपर कुछ पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे इसलिए प्रॉपर रन करने की बात है। और सबसे बड़ा पॉइंट नेक्स्ट मनी का इनकम का मर्चेंट ही है, तो मर्चेंट बहुत लाजवाब शानदार न्यू लुक में आ रहा है और प्रॉपर वर्क करेगा। और शॉपी की बात करूं तो अभी मैंने प्रोडक्ट्स की फोटो खींची है, अभी शॉपी भी अपन को अच्छे खासे इनके शॉपी के अंदर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और भी प्रोडक्ट्स आएंगे, तो कुछ प्रोडक्ट्स के फोटो खींचे वो भी मैं आपको पर्सनली दे दूंगा, ठीक है। बात है फिर ऑटो कंप्लेंट सिस्टम 2 से 3 दिन के अंदर शुरू हो रही है, जहां पे कंप्लेंट ऑप्शन है वहां में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ट्रेन का है, ट्रेन के लिए भी कम से कम 2-3 महीना टाइम लगेगा, और iOS वर्जन के लिए भी 2 महीना टाइम लगेगा। iOS वर्जन के ऊपर प्रॉपर काम हो रहा है, iOS वर्जन एप्पल फोन के लिए आ रहा है, वो मैंने शबनम मैडम से क्लियर कर दिया है। बाकी जितने कुछ लोगों के मेरे पास इश्यूज थे मैंने यहाँ पे क्लियर किया, लेकिन सर बोले अगले टाइम से, इस्माइल जी वगैरह बोले कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छी खासी यहाँ पे मैंने बातचीत की है, अब क्यों एक्शन और लेंगे ये। तो बाकी मैंने ये अभी नेक्स्ट मनी के ही ऑफिस में हूँ, आप देख सकते हो अभी टाइम हो चुका है, तो मैं भी अभी कंप्लीट 8:15 यहाँ पे हूँ, तो ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज मैं दिन भर यहाँ पे नेक्स्ट मनी का आढ़ावा लिया हूँ, मुझे तो बेस्ट लगा है, नेक्स्ट मनी बहुत ग्रो हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो यहाँ से इनके और जो कुछ वीडियो निकले थे उसकी वीडियो की भी पड़ताल की, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को अपना प्लान दिया है कि कैसे बांटते हम। TDS सर्टिफिकेट मैंने देख लिया, मेरे खुद के TDS सर्टिफिकेट, आप भी अपना मेल करके, कंपनी का मेल आईडी है जहाँ पे अपना, जिनको 4 महीना हुआ है वो अपने इनकम टैक्स के TDS सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं, वो मेल आईडी है स्मॉल में HR@nextgenonline.in,
ठीक है, तो जिनको अगर TDS सर्टिफिकेट चाहिए वो ले सकते हैं। बाकी बात रहती है कि नेक्स्ट मनी की साइट कौन सी है, तो https://nextgen.net, ठीक है, ये नेक्स्ट मनी की साइट है, ये भी आपको ये भी मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो ये कुछ अपडेट थी, तो कोई घबराने वाली और कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, सस्पेंस जरूरी है, सारी कुछ चीजें बढ़िया हो रही है, और भी चीजें इनकी अभी अभी अपडेट हो जाएंगी। शॉपिंग अपडेट हो चुका है, आप बाहर का शॉपिंग डिलीट करें, अंदर से ही शॉपिंग करें। बाकी केयर के नंबर मैं डाल रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इनके केयर के वॉइस सपोर्ट ले सकते हैं, बट वॉइस सपोर्ट के लिए इनके पास डाटा ज्यादा हो है, कस्टमर ज्यादा इसलिए बिजी रहते हैं, बट दो कस्टमर केयर और एम्प्लॉय कर दिए जा रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा पॉइंट वहां से सॉल्व हो जाएगा। प्लस टिकट्स भी आ रहे हैं इसके अंदर, यानी आपकी कोई भी कंप्लेंट आपने ऐड करके रखनी है, इस्माइल जी ने बताया सर हार्डली हम आधे घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा वॉइस जो लोड है वॉइस सपोर्ट का वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बढ़िया बात है, हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है, चाहे तुम भाई चैट से दो या वॉइस से दो, हमें प्रॉब्लम सॉल्व से मतलब है, प्रॉब्लम्स आएंगी सर्विस यूज करेंगे तो। उन्होंने सर्टिफिकेशन दिया है मुझे, तो इवन ओवरऑल अच्छा लगा है यहाँ पे आके, मैंने कुछ सारे कुछ प्रोडक्ट्स के लेके हर एक चीज देखी है यहाँ पे। शबनम मैडम से मिला हूँ, इसके फोटो पर्सनली मिल जाएंगे, इस्माइल जी से मिला हूँ, कस्टमर केयर जितने भी थे उनसे बातचीत हुई है, अच्छा लगा है। सभी के मैंने कुछ प्रॉब्लम मोटे मोटे थे फंसे थे उनको सॉल्व किया है, और आगे जाके भी सॉल्व करूंगा, बट मुझे चाहिए आपसे अभी काम, और इतना काम कि आपको पैनिक जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट मनी बहुत ग्रोइंग हो रही है और बहुत फास्ट ग्रोइंग हो रही है, निगेटिव बातें लोग उठाएंगे तो हमें हिचकना नहीं है, हमें टारगेट को फोकस करना है, और हमने सबसे ज्यादा अदर टीम से हो, अदर MLM लीडर से हो, सबसे बड़ी अचीवमेंट लेनी है। तो कुछ बातें ये भी बता देता हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले वाले जुड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी इंडिया का 0.001% भी नेक्स्ट मनी में नहीं आए हैं, क्योंकि नेक्स्ट मनी किसी नेटवर्कर के लिए नहीं है, सब घर की जरूरत है, मैक्सिमम लोग अपने पास है, सबके सब जगह आप जाओ, आप उनको कन्विंस करो, शुरू में 2-3 महीने एफर्ट लगेगा जैसे मुझे लगा है, बट उसके बाद जो स्पीड है ना, इतना इनकम है ना, आप सोच नहीं सकते। इवन मैडम ने बोल दिया कि हम सर 99% बांट देते, हम कुछ नहीं रखते, जो भी आपका एडमिन चार्ज है, हमारी सर्विस यूज कर से जो हमें ट्रांजैक्शन मिलता है उसी पे हम चल रहे, फिर भी हम खुश है, ठीक है। आगे जाके इनका डेबिट कार्ड आ रहा है दिसंबर में, एक गुड न्यूज बताइए, दिसंबर में अपन को डेबिट कार्ड मिल रहा है। फिर और एक चीज बताई थी, वो क्या थी, होटल्स, तो होटल आने में भी टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो मेन बात यही है कि डेबिट कार्ड आने के बाद जो कैशबैक है वो भी 25% अपने अप टू 10th लेवल तक चला जाने वाला है, वो भी एक मजे की बात है। तो अभी आप डेबिट कार्ड नेक्स्ट शॉपिंग के अंदर जाके बाय कर सकते हैं, शॉपिंग बाहर से डाउनलोड नहीं करना, अंदर से एप्लीकेशन के अंदर से खोलो, बाहर वाली डिलीट करो अभी, ठीक है, सबकी खुल रही है अंदर से, बाहर वाली होगी तो खुलेगी, नहीं तो बाहर वाली पहले डिलीट करो। बाकी KYC की बात, जो KYC नहीं हो रही है, आप फोटो क्लियर नहीं डाल रहे हो, ठीक है, उसका फोटो क्लियर डाल दीजिए, और जो ID नाम है उसी की KYC होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर उस फोन में KYC नहीं हो रही पर्टिकुलर, तो दूसरे फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करें, दूसरे फोन से एक बार ट्राई करें, KYC आपकी हो जाएगी। ओवरऑल बाकी सब कुछ ठीक रहा, अभी भी किसी के प्रॉब्लम है अपने सीनियर को बोल दीजिए, वो अपना सॉल्व कर देगा, नहीं तो मुझे भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। किसी का एक आध बार रिचार्ज कैशबैक नहीं आता तो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने से नहीं आता है, तो 2-3 रुपए के लिए 178 करोड़ को भूल मत जाना भाइयों, 178 करोड़ बहुत बड़ी चीज है। तो 2 रुपए का कैशबैक नहीं आया इसलिए मैं निगेटिव हो गया, अरे यहाँ पे जो रेफरल प्रोग्राम है, लीडरशिप बोनस है, उसको भी तो देखो, बाकी भी तो चीजें आता जाएगा, नहीं आया बड़ा आपका अगर कैशबैक है तो उसको कर दिया जाएगा, टिकट में अपना टिकट जनरेट करे, आपका प्रॉब्लम सिलेक्ट करे और उसमें डिस्क्रिप्शन में NMID लिखे रिचार्ज की, कैशबैक आ जाएगा। अभी 2-3 दिन के अंदर ये ऐड कंप्लेंट ऑप्शन में टिकट आ रहा है जनरेट होने के लिए, और नंबर भी दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, उनको डिस्क्रिप्शन में जाके कॉल कर सकते हो, वहां से तसल्ली से सब कुछ काम हो जाएगा। रही बात आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट कैशबैक, जितने भी ऑफर्स टाइप्स के कैशबैक है वो रिटर्न पॉलिसी के बाद आपको आ जाएंगे, अगर फिर भी महीना 2 महीना हुआ है किसी का नहीं आ रहा है, महीना भर तो कम से कम रुकिए, महीना भर बाद ही आएगा, उससे पहले भी जैसे इनके पास आते हो क्रेडिट करा देते हैं, लेकिन महीना भर बाद आएगा, क्योंकि जब तक अमेजोन नहीं देते ये अपने जेब से नहीं देंगे, पहली बात, ठीक है। जब आ जाएगा तब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन महीने से ऊपर जिनका हुआ है वो क्या करे, टिकट्स में जाके अपना टिकट जनरेट करे, आपका चेक करके हो जाएगा, लेकिन महीना हो जाना चाहिए, ठीक है। रिडीम टाइम टू टाइम हो रहा है, बट अपना जो अकाउंट
नेम है वही आईडी का नेम होना चाहिए, और किसी किसी का फिर भी फंस रहा है तो वो भी टिकट जनरेट करे। एक बार क्या, एक बार अगर दे दिया तो दूसरी बार से भी दे देंगे वो वर्किंग डेज 3 to 4 के डेज के अंदर। ठीक है, कोई भी इशू आज टिकट आए टिकट्स में डाल दीजिए, हो जाएगा। नहीं तो कस्टमर केयर को भी आप कॉल कर सकते हैं, उनके नंबर मैं दे दूंगा। बाकी ओवरऑल आप सबको फोटोज वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ व्हाट्सएप और ग्रुप में। मेरा आज का विजिट ऑफिस का ही था जो कि पूना का, और मैं वैसे भी पूना से ही बिलोंग करता हूँ, बट आप सभी को पता है मैं जयपुर में हूँ अभी। ठीक है, तो ओके, किसी के और भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर सकते हो, शायद मैं कल भी हूँ, कल भी मैं ट्राई करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।